ये दृश्य है जीटीबी हॉस्पिटल का, यानी गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिल्ली। आप खुद देखकर सोचिए कि हालात क्या हैं दिल्ली के। दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जिसमें सीएम केजरीवाल जी हैं, और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए, जिसमें देश के पीएम का घर है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और यहीं से कुछ दूरी के ऊपर ये हालात इन लोगों के आपको बता रहे हैं, ये चीख चीख कर सवाल पूछ रहे हैं। इन लोगों को अस्पताल के अंदर दाखिल तक नहीं किया जा रहा, क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है, अस्पताल भर चुके हैं, बुरे हालात हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। जो मुख्य दवाइयां हैं जो उपयोग में लानी हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए, यानी गंभीर श्वसन रोग के लिए, उनकी उपलब्धता बाजार में निम्न हो चुकी है। कालाबाजारी जोरों पर है, दवाइयों की दुकानों पर लोग भटक रहे हैं। जिनके परिजन यहाँ बीमार हैं, उनके परिवार वाले दर दर भटक कर दवाइयों की तलाश में लगे हुए हैं। ना तो दवाई मिल रही है, ना ही उचित प्रबंधन के कारण यहाँ पर कोई व्यवस्था है जिससे उनको संतुष्टि हो। लोगों ने सरकार से बहुत ही गंभीर सवाल पूछे हैं। उन सवालों में सबसे पहला सवाल तो ये है, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप टीवी और प्रचार में, बड़े बड़े बैनर में, बड़े बड़े पोस्टर में ये क्यों दावा करते हैं कि हमने बहुत सारे सॉल्यूशन कर दिए हैं, फ्री में वैक्सीन बांट दी गई है। तो आपका कोई रिलेटिव है जो एडमिटेड? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या परेशानी है? काम करता है, उसको पता है इलाज अभी तक। खुद सोचिए, विचार कीजिए और इस तथ्य को समझिए कि हालात इतने गंभीर क्यों हैं। आज ये लोग भयानक बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन अस्पतालों को भर दिया गया है सिर्फ कोरोना के नाम पर, खांसी जुखाम के नाम पर। लेकिन असल बात यह है कि गंभीर रेडिएशन से होने वाली बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, जिनकी वजह से हार्ट के पेशेंट, लंग्स इन्फेक्शन के पेशेंट, ब्रेन के पेशेंट, किडनी के पेशेंट और न जाने कितनी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए कोई राह नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। ना ही उनको ओपीडी मिल रही है और ना ही उचित इलाज मिल रहा है। अब खुद सोच के देखिए कि अगर ऐसी स्थिति, ऐसी गंभीर स्थिति में आप अगर गुजर रहे हो तो आप क्या सोचेंगे। इंसानियत को इतना मजबूर होते हुए कभी आपने नहीं देखा होगा जितने मजबूर आज ये लोग हैं। सोचिएगा, विचार कीजिएगा, वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, अपने लोगों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, खान पान में सुधार कीजिए। धन्यवाद।